दूसरा जो ताहिर साहब ने उठाया पीएमसी का, जी अभी अभी फौरी तौर पे कहा जाए डीआईजी को, जो पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, क्वेटा में, इस्लामाबाद में, मुल्क के दूसरे शहरों में बच्चे जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, और इस्लामाबाद में भी पीएमसी जो के जो बिल्डिंग है उसके सामने एहतजाज कई दिनों से जारी है, दिन रात बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, इसी तरह क्वेटा में बैठे हुए हैं, मुल्क के दीगर शहरों में बैठे हुए हैं। एक तो उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, लाठीचार्ज, ये दुरुस्त बात नहीं है। ये गोलियों से और लाठियों से मोहब्बत नहीं बोई जाती, इससे नफरत बोई जाती है। तो ये कौम का मुस्तकबिल है, क्रीम है, इनके ऊपर तशद्दुद का इस्तेमाल तो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हम उन बच्चों के साथ हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं पीएमसी के खिलाफ, या क्वेटा में बैठे हैं, या जहां कहीं भी बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में, हम उनके साथ हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि पीएमसी ने एमडी कैट का जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया है, उसमें मिसमैनेजमेंट, उसमें करप्शन, उसमें खराबियां हैं। खुद पीएमसी मानती है, खुद पीएमसी ने अपनी रूल्स के खिलाफ वर्जियां की है, उसको रिकंडक्ट किया जाए। सादा सा मुतालबा है, वो ये नहीं कह रहे कि हमें मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाए, उसको रिकंडक्ट किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और मेरिट के मुताबिक दाखिले हों। पहले भी होते थे पीएमडीसी के तहत, किसी को एतराज नहीं होता था। तो ये मसला जो है, काइंडली आप इसको चैम्बर के अंदर भी बात कर लें, लेकिन हम लीडर ऑफ द हाउस से भी अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं हम इनके साथ, ये हम सबका मुश्तरका मसला है। बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, पीएमसी मान रहे कि गलतियां हुई है और उसमें मिसमैनेजमेंट हुई है, उसमें करप्शन भी हुई है, इसमें मेरिट भी वायलेट हुआ है, तो इसको हल करें। ये बच्चे आपको दुआएं देंगे, हुकूमत को दुआएं देंगे। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इन बच्चों का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए, काफी दिन हो गए। थैंक यू जी। जी सेनेटर सीम।